हेलो एवरीवन, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस तरीके से वर्क करता है, यानी कि अगर कोई भी क्राइम कमिट हो जाता है तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएगा, ये कैसे डिसाइड होता है, और कोर्ट्स के अंदर जो काम होता है क्या वो अलग होता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। देखिए, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर काम तो सेम ही होता है, ऐसा नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कुछ और काम हो रहा होगा और दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कुछ और काम हो रहा होगा। सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सेम वर्क होता है, बट हाँ, डिस्ट्रिक्ट डिसाइड की जाते हैं एरिया वाइज, यानी कि एरिया के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कोर्टों को डिवाइड कर दिया जाता है, और अगर उस एरिया के अंदर कोई भी क्राइम कमिट होता है तो वो उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उस कोर्ट के अंदर चला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिल्ली का एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट है, अगर कोई भी क्राइम दिल्ली के अंदर कमिट होता है तो इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आता है। जैसे कि 6 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम है, करकडूमा कोर्ट हो गया, 30,000 कोर्ट हो गया, रोहिणी कोर्ट हो गया, पटियाला कोर्ट हो गया, साकेत कोर्ट हो गया और द्वारका कोर्ट हो गया। अगर कोई भी क्राइम कमिट होगा तो इन 6 कोर्टों के अंदर आएगा, तो अगर इन 6 कोर्टों के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर आ रहा है, एरिया के अंदर आ रहा है दिल्ली के अंदर, तो वो उस कोर्ट के हिसाब से उस कोर्ट के अंदर चला जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँगी, अगर शाहदरा के अंदर कोई क्राइम कमिट हो जाता है तो वो जाएगा करकडूमा कोर्ट के अंदर, क्योंकि करकडूमा कोर्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और शाहदरा डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर आती है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी क्राइम कमिट हो जाता है इन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो वो करकडूमा कोर्ट के अंदर पहुंच जाएगा। तो अगर कोई भी क्राइम ऑफेंस या कमिट होता है तो उसकी पेशी या उसकी जो भी आगे ट्रायल चलेगा वो करकडूमा कोर्ट के अंदर चलेगा। ये यूं डिस्ट्रिक्ट डिवाइड किए जाते हैं। और ऐसी लीगल टिप्स और सारे सेक्शन जानने के लिए मुझे फॉलो करते रहें। थैंक यू।